always watching my breakfast. You always making my video. Welcome to AM Lifestyle. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. गाइस आज जो है वो अभी हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ और उसके बाद कुछ चीजें और है बड़े मजे मजे की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. तो स्टे ट्यून और फुल व्लॉग को देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है. बाय गाइस. तो अभी मामा के पास आई हूँ, अभी उनका ब्रेकफास्ट अभी बाकी है, तो जो है ना वो देखते हैं कि वो क्या करती हैं ब्रेकफास्ट और क्यों करती हैं. ये देखें, ये दो कप चाय पीती हैं और साथ में ये जो है ये ब्राउन ब्रेड किसी भी फॉर्म में, मतलब सैंडविच हो जाए या टू ब्रेड के स्लाइस हो जाए, तो उसमें खाती हैं. तो अभी देखते हैं इनसे कि ये क्यों ब्राउन ब्रेड खाती हैं और साथ में चाय के दो कप क्यों पीती हैं. हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. मैं इस वक्त नाश्ता कर रही हूँ और जो है चाय के दो कप पीती हूँ मैं और खाती हूँ साथ ब्राउन ब्रेड, क्योंकि ब्राउन ब्रेड मुझे ज़्यादा पसंद है. और इसमें कभी कभी जब वो चीज़ तो चीज़ लगा लेती हूँ, वरना मैं बिल्कुल दो ब्राउन ब्रेड के स्लाइस खाती हूँ, कभी कभी तीन भी खाती हूँ. और उनको मतलब सेक के तवे पे वो खा लेती हूँ और दो चाय के कप पीती हूँ. तो बस ये मेरा नाश्ता होता है और बहुत अच्छा होता है, मज़े वाला होता है. और ब्राउन ब्रेड मैं इसलिए खाती हूँ कि वो उसमें मैदे वाली चीज़ मैं खाना नहीं चाहती और ये मुझे लगता है कि ये इसमें अनाज ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये खाती हूँ. तो मुझे बहुत पसंद है, आप भी खा के देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा. और पहले वाला जो था वो मजाक तो चलता रहता है. हाँ मजाक तो चलता रहता है, यही जिंदगी है. और इसके ऊपर सेंटा भी बना हुआ है कप के ऊपर. हाँ ऐसे ही गिफ्ट्स भी हैं, गिफ्ट्स भी हैं, ताकि मामा को लगे मुझे गिफ्ट्स ही मिलते जाए. और सुबह का जो टाइम होता है ना, जो सुबह का वक्त होता है, आप जिस जगह नाश्ता बैठ के करें, जिस तरह जब ब्रेकफास्ट करें, तो ख़ास तौर पे उस जगह पे बैठें बिल्कुल फारिग हो के, जहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आ रहा हो. आप जितनी खूबसूरत चीज़ें, एटलीस्ट मैं तो यही करती हूँ कि जितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं मेरे इर्द गिर्द हों, अच्छी बातें करने वाले लोग पॉजिटिव मेरे इर्द गिर्द हों, पॉजिटिव एनर्जी हो, तो फिर बड़ा मज़ा आता है. और वही चीज़ जो आप बेशक मतलब थोड़ी सी भी खाएं तो बड़ी एनर्जेटिक होती है, आपको बड़ा मज़ा आता है. और सुबह जो आपकी शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी तरीके से. यू ऑलवेज वॉचिंग माई ब्रेकफास्ट, यू ऑलवेज मेकिंग माई वीडियो. आई डोंट लाइक दिस. I eat brown bread and cheese. One for your father, one for your mother. Okay? और ये देखे guys, ये है मेरा नाश्ता. इसमें वही ये देख लें, क्योंकि ये ब्रेड जो है ये मुझे हमें लगता है कि हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी है, तो ये ब्रेड ही इस्तेमाल करनी चाहिए. तो इसलिए हम ये करते हैं. ये मैं वैसे ज़्यादा जो है वो ऑमलेट खाती हूँ, लेकिन आज जो है वो ये वाला खा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ये खा लेती हूँ, कभी ऑमलेट. ऑमलेट ज़्यादा है तो ऑमलेट में जो है वो, क्योंकि मैंने पीछे वीडियो भी डाली थी, ग्रीन अनियन डलता है तो, और दूसरा भी अनियन डलता है, तो वो मुझे बड़ा पसंद है. तो इसलिए जो है, और ये जो एग है ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए जो है वो एग भले आप खाएं ना खाएं, लेकिन ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा है. और नाश्ता पेट भर के करें. हाँ, और नाश्ता पेट भर के करें, भले लंच ना इतना ज़्यादा रिच करें, और जो डिनर है वो तो वैसे ही कहते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सिर्फ ब्रेड और खा लें और बस, क्योंकि उसके बाद सोना होता है, तो इस वजह से. तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं. अभी चलते हैं बाहर, आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ. देखिए, आपको दो घर दिखाए थे ना कि मामा ने लगाए हैं, तो इसके अंदर ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है और उसके अंदर जो है वो जाती भी हैं, तो बड़ी खुशी की बात है. मैंने पहली दफ़ा देखा है ऐसे कि ऐसे किसी घर के अंदर जो है वो चिड़िया जाती हैं. और आपको दिखाती हूँ न्यू हाउस, कि हमने जो है वो न्यू हाउस बना लिया है.
ये भी बड़ी खुशी की बात है। और एक न्यू हाउस बन रहा है, ये देखें एक हाउस ये है, ठीक है। अभी ये हो रहे हैं तैयार, मतलब अभी आगे जो है ना वो इसके बन्नी लगनी है, ठीक है, थोड़ी आगे के इस पर बैठ भी सके, ठीक है। और एक तैयार हो रहा है, वो भी आपको दिखाती हूँ, ये वाला, ये अभी जो है वो रेडी हो रहा है। और जो है बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें जो है वो चिड़िया अंदर गई हैं और घोंसला बना रही हैं। ये थोड़ा बड़ा है, वो तो हमने बाय किए हैं, ये बनवा रहे हैं। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए कि अंडे जो हैं वो बाहर ना, मतलब अंडे से बच्चा बाहर ना आ सके और महफूज तरीके से रह सके, क्योंकि ये जो है इसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो घोंसला बहुत बड़ा बनाया हुआ है। और अभी तो ये जाने का रास्ता है, कल तो जाने का रास्ता भी नहीं था, तो जो ऐसे बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि जो है वो बच्चा बाहर ना आ सके, क्योंकि ये छोटा है, इसलिए हमने अब बड़े बनवाए हैं ताकि जो है वो चिड़िया जा सके। और कितनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियों की, ये देखें ये काम हो रहा है। और आप लोग भी जो हैं वो अगर बनवा नहीं सकते तो बाहर से ले आए। ये जो है ये ईच हमें 100 के पड़े हैं, क्योंकि मामा कहती हैं कि थोड़े टूटे टूटे थे, तो इस वजह से, मतलब क्रैक थे, बाकी बिल्कुल A1 है, तो इस वजह से जो है वो 100 के पड़े हैं। तो आप लोग भी जो है वो लेकर आ सकते हैं, इन पर पेंट कर दें, मतलब पोस्टर कलर्स होते हैं बच्चों के पास, वो कर दें या बाहर से ला के पेंट कर दें और A1 हो जाएंगे ये। हमने तो नहीं किया क्योंकि मेरे पास पोस्टर कलर्स नहीं थे इस वजह से, तो बाहर से पेंट हमने नहीं लेके आए हम, तो ये देखें। तो आप लोग जो है वो टूटे टूटे कहीं से मिले तो वो ले आएँ, या अगर सही वाले मिले तो वो ले आएँ, या अगर बनवा सकते हैं तो थोड़े बड़े साइज़ के बनवा लें जैसे हमने बनाए हैं, बनवाए हैं। और ये देखें ये धूप में, मैं आपको लॉन दिखा रही हूँ धूप में, कितना अच्छा लगता है एरोकेरिया, ये देखें। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला पोर्शन, ये आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखे गार्डन के टूर हमारी वीडियो में। इस एरिया को जो है वो बड़ा खूबसूरत कर दिया है, तो आप लोग पहले वाला भी देखेगा और अब वाला भी देखेगा, ठीक है, ये भी देख लें। वो नए बनवाए हैं थोड़े बड़े ताकि इसमें भी चिड़ियाँ जाएं, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है चिड़ियों को, ऐसे जो एनिमल्स बर्ड्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, तो इसलिए आप लोग भी बनवाइएगा और खुशी मिलती है देख देख के। तो ओके, खुदा हाफिज़।